दमोह जिले के जबेरा तहसील मुख्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन तेंदुखेड़ा जबेरा SDM अविनाश रावत को सौंपा। ज्ञापन के पूर्व एकत्रित समस्त विभागों के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन के समक्ष अपनी एक सूत्रीय पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी। इस दौरान पेंशन से वंचित अधिकारी कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। इसको लेकर के इनके द्वारा यह मांग की गई और ज्ञापन सौंपा गया। परिवार होता है, एक या दो बच्चे होते हैं, मान लो दो बच्चियां हैं तो वो तो अपने ससुराल चली जाएंगी, और मान लो एक बच्चा है तो जरूरी नहीं है कि वो माँ बाप का आश्रय दे पा रहा, क्योंकि बहू कैसी मिल रही है कोई तय नहीं। अब उस स्थिति में और जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है, उस समय मालूम चला यदि 3000 पेंशन भी बनी तो 3000 में तो गैस की टंकी नहीं मिलना, तो हम तेल और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, और भविष्य किसी ने देखा नहीं कि वो कितनी उम्र तक वो जा रहा है। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए कि निश्चित जो पेंशन मिलना चाहिए जैसा कि रहता था, क्योंकि हर आदमी के पास रोजगार हो ये तो जरूरी नहीं है, उसके यहाँ खेती किसानी हो ये भी जरूरी नहीं है। हमारी कामना है बिल्कुल सर, एक 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 बात उठाई जाएगी। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, हमारे जो मिशन में कार्यरत लोग हैं, जो आज अकाउंटेंट हैं, जो आज लिपिक हैं, जो आज यानी 25-26 हज़ार रुपये वेतन पा रहे हैं, जब हमारे जनपद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें नियुक्ति दी, आज उन्हें हमसे कम वेतन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कसक हमारे अंदर है और हम ये अन्याय मिटा कर रहेंगे हर कीमत पर मिटा कर। ऐसी मांग हमारी अब जो है ना बिल्कुल यूनानिमस उठने। पुरानी पेंशन करो, पुरानी पेंशन करो, जिंदाबाद। शासकीय अध्यापक संगठित हुए हैं तो हम एक अपनी हक की लड़ाई के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या है, जो पेंशन होती है हमारे बुढ़ापे का सहारा होती है, जो कि 2005 से बंद हो चुकी है, और जिस कारण से हमारे जो पुराने साथी, जैसे आदरणीय ताहर भाई ने कहा कि बहुत से साथी हमारे रिटायर हो गए, तो वो कितना सफर कर रहे हैं, आज उनको एक इतना जीवन यापन नहीं मिल रहा जिसमें में गुजर बसर। वास्तव में शासकीय कर्मचारी होने का अर्थ यही था कि उनको जीवन का पूरा भरोसा हो जाता था कि हमारे यार बच्चे हैं वो भी हमारे जब तक आश्रित रहेंगे तब तक हम उनका भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ समय पहले ये पेंशन बंद कर दी गई थी, अब पुनः कर्मचारी जागृत हुए हैं और यह पूरा निश्चय है इस बार जो कर्मचारी जागृत हुए वह पुरानी पेंशन लेकर ही मानेंगे। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे जिनको मिल रही है वो और जिनको नहीं मिल रही वो, हम सभी एकजुट होकर एक साथ इस मामले में लड़ेंगे और शासन से पेंशन लेकर ही रहेंगे। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन जो उन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे ज्ञापन दिया है कि जो पुरानी पेंशन थी वो उन्होंने सरकार से मांग की है कि फिर से बहाल की जाए। शासन उनका ये ज्ञापन हम शासन को शीघ्र पहुँचा दें।